हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर गोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक जो है बायोलॉजिकल कल्चर फैक्टर इन ह्यूमन इवोल्यूशन। ये जो टॉपिक है वो चैप्टर वन का टॉपिक है, ठीक है। आपका अभी तक चैप्टर 9 और 10 कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी चीजें स्टार्ट होंगी वो एक सीक्वेंस से स्टार्ट होंगी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, मैं सीक्वेंस से सारी चीजें अब आपको करवाऊंगी, ओके। 9 और 10 चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में इसलिए लिया था क्योंकि बहुत इजी चीजें थी, मतलब इजी ही थी मेरे हिसाब से। बायो में सच को इतना हार्ड नहीं था, इसलिए मैंने 9 और 10 चैप्टर आपका पहले कंप्लीट करा दिया। अब आपका थियोरेटिकल बेसिस ज़्यादा आता है तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर इन ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। तो माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल्चर इन द इवोल्यूशनरी, टू अंडरस्टैंड द कल्चर वी नीड टू यू नो योर बायोलॉजिकल कैपेसिटी फॉर कल्चर, हाउ वी फिट इन टू द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में कैसे फिट होते हैं, एंड हाउ वी केम टू बी वॉट वी आर, ओके। तो अवर कैपेसिटी फॉर ए कल्चर और बायोलॉजिकल रूट्स क्या है, क्या बायोलॉजिकल रूट्स, द लैंग्वेज एबिलिटी, अवर एबिलिटी टू मेक एंड यूज द टूल्स, अवर बाइपेडलिज्म, एबिलिटी टू स्टैंड एंड वॉक ऑन टू 2 feet। हमारी क्या एक एबिलिटी है कि हम खड़े हो सकते हैं और चल सकते हैं अपने 2 पैरों से। इफ़ द साइंस ऑफ ए ह्यूमन काइंड इज टू बी टेकन सीरियसली वी नीड टू नो अवर ओन एटोनॉमी, ओके। तो फर्स्टली हम क्या बताएंगे, ये टेक्सोनॉमी क्या है। टेक्सोनॉमी मीन्स समझते होंगे आप लोग, टेक्सोनॉमी मतलब नामकरण, चलिए हिंदी में बोल दूँ तो नामकरण, ठीक है। डेफिनेशन पहले आता है, फिर सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द लाइफ फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम द जनरल किंगडम। आप किंगडम बताएंगे उसमें कि फ्लाइम है, क्लास है, ऑर्डर है, क्या क्या चीज़ें हैं वो, टू द स्पेसिफिक, है ना, उसमें आप जीन्स बताएंगे, स्पीसीज और उसकी वेराइटी। टैक्सॉन क्या है, कैटेगरी एट ऑल लेवल फ्रॉम बोर्ड टू द स्पेसिफिक, बोर्ड से लेके टू स्पेसिफिक, ठीक है। ये टैक्सोनॉमी की चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो टैक्सोनॉमी बायोनॉमिकल कल्चर में, नोमेनक्लेचर में, एवरी स्पीशीज एटलीस्ट 2 नेम, हर स्पीशीज के अप्रॉक्सीमेटली 2 नेम होते हैं, ठीक है। जैसे अब हम, मैं ये आपको, ह्यूमन का किसी को भी नेम पता है, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। तो जीन क्या है, जीनस क्या है, होमो, और स्पीशीज क्या है, सैपियंस। वेराइटी सेपियंस इफ वी एक्सेप्ट द स्प्लिटर टर्म कन्वेंशन, एटेलिज्म और अंडरलाइन ऑल द नेम, जीनस, लोअर केस स्पीशीज एंड वेराइटी, फॉर एग्जाम्पल होमो सेपियंस, ठीक है। टेक्सोनॉमी द जर्नल टास्क, टेक्सा, ठीक है, जर्नल टेक्सा है, उसमें किंगडम एनिमिनिया, एनिमिलिया मतलब एनिमल्स, ठीक है, इंजेक्ट फूड्स एंड मूव, फ्लोएम, क्वाड्रेटास एज ए स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड होती है, सब फ्लोएम, वर्टिब्रेट हैज ए सेगमेंटेड प्रोटेक्टिव बोन और कार्टेजेस, क्लास मैमल्स, ठीक है, जिसमें वार्म ब्लडेड फीमेल सिक्रीट्स द मिल्क एज हेयर, ठीक है। ऑर्डर प्रीमेटा, लार्ज ब्रेन, डेप्थ विजन, फ्लेक्सिबल डिजिट्स एंड कॉम्प्लेक्स। सब ऑर्डर एंथ्रोपोडिया मतलब मंकी, पी ह्यूमंस, ये सब किस में आते हैं हम, एंथ्रोपोडियम, ठीक है, समझ में आ गए यहाँ तक में। यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि जो भी इवोल्यूशनरी का क्या वो है, उसके बाद बायोलॉजिकल रूट, अब बायोलॉजिकल रूट, फिर फर्स्ट थिंग हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन में सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑल द फॉर्म फ्रॉम द जनरल किंगडम, फ्लोएम, क्लास, ऑर्डर, ये एक पूरा ऑर्डर है, टू द स्पेसिफिक, ठीक है,
जीन हुआ, स्पीशीज हुई, वेराइटीज हुई, ठीक है, टेक्सोन कैटेगरी ऑल लेवल फ्रॉम बोर्ड टू क्लास, ठीक है। अब ये टेक्सोनॉमी है, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर है किसका, यहाँ पे मैंने आपको नोमेनक्लेचर किसका बताया, ह्यूमन का, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सैपियंस, ठीक है। ठीक है, ये कैसे कैसे हुआ, किधर स्प्लिटर टर्म क्यों है, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जनरल टेक्सा क्या, आप खुद, आप अगर आपने किसी ने भी बहुत पहले, मैं ये नहीं बोलती किसी ने बायो से हो, कोई भी स्टूडेंट टेंथ तक भी उसके पास साइंस होगी तो आपको पता होगा किंगडम, फ्लोएम, सब फ्लोएम कैटेगरीज होती हैं, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ठीक है। होमिनिड टैक्सोनॉमी दिस इज ए न्यू टैक्सोनॉमी, एक नया तरह की टैक्सोनॉमी है जो अप्लाइड होती है ह्यूमंस पे और अफ्रीकन्स के एप्स पे, ये दो चीज़ों पे ही अप्लाई होती है, अप्लाई टू द होमो सैपियंस, ठीक है। जितने भी एंसेस्टर हैं, ऑल एग्जिस्टिंग एंसेस्टर्स, होमो एबलेसिस, एच इरिटेसिस, ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है होमो का, होमोनीडिया वही, पेंगुलिडिया एंड हाइलो, ठीक है, उसके अंदर आते हैं। फिर होमो जिसमें ह्यूमन, होमो मीन्स ह्यूमन, पैन मीन्स चैम, गोरिल मीन्स गोरिल्ला, पोंगो मीन्स ऑर्थोटस, ये सारे इनके क्लासिफिकेशन है और इनके इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग के नेम है, ठीक है। ये टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी मीन्स ही ये होता है कि हम, जैसे हमारे में क्या होता है नामकरण, ठीक है, टैक्सोनॉमी और नोमेनक्लेचर होता है। टैक्सोनॉमी मतलब उसको, उसके हिसाब से मतलब आपको करेक्टराइज करना है उसका क्लास, किंगडम, ऑर्डर, ये सब कुछ, ठीक है। और नोमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण संस्था, शुद्ध भाषा में ही, ठीक है। अब आते हैं ओवरव्यू पे, ये हमारा क्या चल रहा है अभी, ह्यूमन इवोल्यूशन चल रहा है, आज का टॉपिक क्या है, ह्यूमन ठीक है। तो अब आते हैं ओवरव्यू द ह्यूमन स्केलेटन, डू यू नीड टू नो सम ऑफ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। यूज अ ऑनलाइन ग्राफिक्स सच एज दिस यू आर प्रिंटेड हैंड आउट, ये क्या है, ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है, जिसमें ये ब्रेन है, ये चेस्ट है, स्पाइन है, हैंड है, ये सब क्या है, ये क्या है, पूरा ह्यूमन स्केलेटन है। अब आते हैं ह्यूमन स्केलेटन में सबसे ऊपर क्या है, ब्रेन प्रेजेंट है, कल जिससे बोला है ब्रेन प्रेजेंट है, तो हम उस पर आते हैं। ब्रेन, ब्रेन भी फ्रंटल लोब एंड मोटर कॉर्टेक्स का है, ठीक है, मोटर एबिलिटी होती है, टच एंड टेस्ट का उसको पता चलता है, हियरिंग, विजन एंड स्मेल का वो एक मतलब उनको एक, हमारे माइंड जो होता है वो बहुत शार्प होते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपको किसी ने पिंच भी किया तो आपके माइंड वो पिंच करा आपको, आपको वहाँ पता चला जहाँ आपको पिंच किया, बट वो कैसे पता चला, क्योंकि वो सेंस आपके माइंड में आया, वो जो भी आपको पिंच किया तो जो आपको फील हुआ वो आपके माइंड में फील हुआ, तब आप अपने मुँह से बोल पाए कि हाँ मेरे को किसी ने पिंच करा। तो ये सब कहाँ से लिंक्ड होता है, आपके ब्रेन से लिंक्ड होता है, ठीक है। ये आपका ब्रेन है, ये ब्रेन की स्टेम, मेडुला, सेलिब्रम, सेलिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, थैलेमस, ठीक है, लोब, सेंट्रल सेलिब्रम कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब, ठीक है, लेटरल वर्टिकल्स, हाइपोथैलेमस, ठीक है, टेम्पोरल लोब्स, ये सारे क्या है, ये ब्रेन्स के पार्ट है, ठीक है। तो आपको अगर ब्रेन्स के बारे में बोला जाए तो क्या है, फ्रंटल लोब एंड मोटर कॉर्टेक्स होता है, फ्रंटल लोब, मैं आपको बताती हूँ, फ्रंटल लोब, ठीक है, ये एंड मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो उसके में मोटर एबिलिटी है, ठीक है, टच एंड टेस्ट का पता चलता है, टच एंड टेस्ट का पता कहाँ से चलता है, टच एंड टेस्ट का पता आपको इस वाले लोब से पता चलता है। टेम्पोरल लोब से आप हियरिंग का, कान सुनाई देने का पता लगा सकते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल लोब से आपको विजन का इशू जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, दिखना आपको अच्छे से लगेगा, मतलब
इश्यू तो कुछ नहीं, मतलब उससे आपका विजन से लिंक्ड होता है, और ऑल फैक्ट्री बल्ब मतलब स्मेल, पार्ट ऑफ द ब्रेन या मोटर कॉर्टेक्स का रिलेटेड टू द लैंग्वेज, लोअर पार्ट में लिप्स टंग एंड वोकलाइजेशन, ठीक है, रिलेटेड टू टूल मेकिंग एंड द यूज, अपर पार्ट फिंगर एंड थंब एंड आर्म पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लैंग्वेज, ठीक है, आर्म पार्ट क्या है ब्रेन का, लैंग्वेज, ये देखो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, व्हाट इज दिस, फीट, हिप, टंग, आर्म, हैंड, फेस, टंग एंड लिप्स, ये ऐसे चल रहे, ठीक है, पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अ लैंग्वेज सेंटर, ब्रेन क्या है, एक लैंग्वेज सेंटर है, ठीक है, पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, ये सारे क्या है, सेरिब्रम के पार्ट है, तो जो फ्रंटल लोब है वो मैंने आपको पहले भी बताया, थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर एंड मूवमेंट, ये इसका मेन फंक्शन है, फिर है मोटर कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सब के क्या है, ये क्या है, हमारे ब्रेन के पार्ट से, लेकिन ब्रेन में भी सेरिब्रम के पार्ट है, इसके पार्ट से सेरिब्रम, ये सारा आपका ह्यूमन इवोल्यूशन में आता है, जो स्टार्टिंग है, मतलब कैसे क्या क्या हुआ, अभी हम आपको वो बताएंगे, फिर एक प्रॉपर ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो मैं आपको समझाऊंगी, और कल की क्लास में फिर मैं आपको थ्योरीज बताऊंगी कि ह्यूमन इवोल्यूशन की थ्योरीज कैसी है, चार्ल्स डार्विन है, ये सब हम आप लोग कल पढ़ेंगे, तो आप ये मत सोचिएगा ये क्या पढ़ाया जा रहा है, जब आप इस वीडियो को देखें, ये ऐसे स्टार्टिंग है जिससे आपका बेसिक से आपको स्टार्ट किया, जिससे आपको ईजी रहे चीजें समझने और क्लियर होने, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बाद है टेम्पोरल लोब में हियरिंग लर्निंग एंड फीलिंग, ब्रेन स्टेम में ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड टेम्परेचर, सेरिब्रम इज बैलेंस एंड द कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसमें साइट सी साइट, पार्शियल लोब्स में लैंग्वेज एंड टच, ठीक है, ये सारे क्या है, सेरिब्रम के पार्ट है, उनके फंक्शन है, ठीक है, अब आते हैं ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्कल कहाँ पे, ये इसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन स्कल, ठीक है, हाई फॉरहेडेड, राउंड कलर, राउंड स्कल्ड होता है, मतलब आप देखेंगे तो आपने देखेंगे क्या, आपको देखा ये राउंड स्कल्ड है, शेप देख लिए, राउंडेड है, नो बैरो रिजेस, ठीक है, चेन इज प्रेजेंट, चेन इसमें प्रेजेंट होती है, टीथ आर स्मॉल, टीथ जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बट इसमें बहुत बड़े बड़े दिखाए, द बोन्स आर नेम्ड आफ्टर द लोब्स ऑफ द ब्रेन दे कवर, ठीक है, द बोन्स आर नेम्ड आफ्टर द लोब्स ऑफ द ब्रेन दे कवर, ठीक है, ये आपका क्या है, ह्यूमन स्कल का स्ट्रक्चर है, इसमें बोला है हाई फोरहेडेड है, राउंड शेप में होगा स्कल जो है, नो बैरो रिजेस, ठीक है, चिन प्रेजेंट होती है, टीथ छोटे होते हैं, द बोन्स आर नेम्ड आफ्टर द लोब्स ऑफ द ब्रेन दे कवर, ठीक है, अब इसकी अगर आपने ये, मतलब अगर मैं आपको ह्यूमन स्कल्स के बारे में बता रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं आपको उसके स्कल मॉर्फोलॉजी में बताऊंगी, जिसमें चिंप एंड ह्यूमन आता है, ठीक है, आप कुछ सबसे बड़ी बात आप नोट करके रखिएगा, लार्जर बोन रिज, ठीक है, ऑफ चिंप देन द ह्यूमन, ह्यूमन से, ठीक है, स्लोपिंग फोरहेड ऑफ चिंप कंपेयर टू मैन, इसमें मैन ह्यूमन इन दोनों का क्या है, आपको कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, इसमें चिप की कंपैरिजन किया गया, जॉ से किसके, ह्यूमन के, लार्जर कैनिन एंड गैप ऑफ चिम्प देन द ह्यूमन, तो इसमें गैप और चिम्प बताई हुई है, चिम्प और ह्यूमन के बीच का जो है आपको कंपैरिजन बताया हुआ है कि किसका फोरहेड कितना बड़ा है, किसकी जॉ लाइन कितनी बड़ी है, किसका गैप कितना है, ये सब चीजें, ठीक है, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको बहुत ईजी रहेगा, ह्यूमन एंड चिम्प स्कल कंपेयर ब्रेन स्ट्रक्चर, तो चिम्प ब्रेन इज मच स्मॉलर 400 सीसी वर्सेस 1400 सीसी, 400 वर्सेस 1400, अल्ट्रा रिड्यूस द फ्रंटल लोब, ठीक है, इट हैज नो, इनके अंदर ये दोनों एरियाज ही प्रेजेंट नहीं होते, इट डज हैव द बोनमैन एरिया 10 वेयर सेल इक्विवेलेंट 10
वे रिकॉल ओरिजिनेटेड बट नो स्पीच, ठीक है, इट हैज हैव टेम्पोरल वेयर कॉल आर रिसीव बट नो रेस्पॉन्ड एज ए लैंग्वेज, मतलब इनके पास बोर्डमैन होता है, एरिया होता है जहाँ पे कॉल तो ओरिजिनेट होती है बट आप बोल नहीं सकते, स्पीच का कोई शो वो नहीं है, और जहाँ पे टेम्पोरल होता है वहाँ पे आप कॉल रिसीव कर सकते हो बट आप बोल नहीं सकते, लैंग्वेज प्रोसेस नहीं कर सकते आप अपनी लैंग्वेज, ठीक है। अब इन दो ये जो हमने कंपैरिजन पढ़ा है इन दोनों में, ह्यूमन स्कल का कंपैरिजन किया ब्रेन स्ट्रक्चर में और स्कल मॉर्फोलॉजी में, तो उसका क्या कंक्लूजन है? अवर ब्रेन आर लार्जर देन द, ठीक है, ह्यूमन का ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो लार्जर है देन द चिंप, दे वी हैव ए वेल डेवलप्ड फ्रंटल लोब, ठीक है, वी हैव वेल डेवलप्ड लैंग्वेज एरिया, ठीक है, अपने पास एक डेवलप्ड वेल डेवलप्ड लैंग्वेज एरिया है, द मोटर स्ट्रिप इज मोर वेल डेवलप्ड अमोंग द ह्यूमन दे अमोंग द चिंप, ठीक है। ये कंक्लूजन निकाला साइंटिस्ट ने कि भाई मैन और ह्यूमन बींग्स में और चिंप्स के ब्रेन स्ट्रक्चर में स्कल मॉर्फोलॉजी में के बेसिस पे उन्हें कंक्लूजन निकाला। अब आते हैं डेफिनेशन लाते हैं ह्यूमन जॉकी, ठीक है भाई, ह्यूमन जॉकी अभी तो हम आपको यही चीज़ें बताएंगे, ठीक है, आज की क्लास में आपको यही सारे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें आज मैं एक्सप्लेन करूँगी, देन फिर मैं कल की क्लास में जो है वो आपको मैं पूरा थ्योरीज बताऊंगी ह्यूमन एवोल्यूशन की, और इसी के आगे का ह्यूमन एवोल्यूशन का जो अभी बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स जो बचे हुए हैं, आपका टॉपिक है आज का ये बायोलॉजिकल कल्चरल फैक्टर ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन है तो ह्यूमन का कैसे इवोल्यूशन हुआ वो मैं आपको समझाना है ना, तो वही चीज़ें अभी आपकी चल रही, तो बायोलॉजिकल कल्चरल फैक्टर में समझाना है, तो अभी आपका ये बायोलॉजिकल चल रहा है, फिर जब आपका कल्चरल कंप्लीट हो जाएगा, बायोलॉजिकल कल्चर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, देन में फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी क्या बोलते हैं थ्योरीज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन जॉब, और ई जो अपर एंड लोअर दो तरह के होते हैं, अपर और लोअर, इंसाइजर फोर फॉर कटिंग, ठीक है, टू होते हैं पियर्सिंग के लिए, फोर होते हैं लाइट ग्राइंडिंग के लिए, और सिक्स मोलर होते हैं फॉर ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। तो फोर टू सिक्स, सिक्स फोर टेन एंड सिक्सटीन, सिक्सटीन अपर सिक्सटीन लोअर, ठीक है, तभी तो बोलते हैं 32 टीम। देखो ये देखो टू ये टू लोअर में, टू अपर टू लोअर, ठीक है। चिंप एंड ह्यूमन जॉग में क्या डिफरेंसेस है, आपको पूरी ह्यूमन इवोल्यूशन में, ठीक है, आपको दो चीज में ही कंपैरिजन करना हो पड़ेगा, चिंप एंड ह्यूमन, पूरे इवोल्यूशन में आपको यही दो चीजों का कंपैरिजन करना है या डिफरेंस बताना है, या इन्हीं दोनों चीजों पे आपको हर चीज का कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, ठीक है। डेंटल कार्ड्स, ह्यूमन आर द आरिक एप्स एंड द पैलर बैक टीथ, इनके क्या होते हैं पैलर बैक टीथ होते हैं, देखो पैलर बैक। गैप्स एप्स आर द लार्जर कैनियस एंड गैप इज अपोजिट जॉ टू फिट द फिट देम, ठीक है। ह्यूमन डज नॉट, ह्यूमन्स के पास ऐसा गैप या कुछ भी ऐसा फिट आउट नहीं होता, ठीक है। ये था हमारा खाली, पहले हमने पढ़ा माइंड का ब्रेन का, देन हमारे ह्यूमन जॉब के ऊपर, अब हम पढ़ेंगे किसके ब्रेन किसके एनाटॉमी का, हम वो करेंगे हैंड की, ठीक है। अवर डिजिट्स आर स्ट्रेट, थंब इज ए पोजेबल एंड थंब इज लॉन्ग, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाथ का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपके फिंगर है, मिडल प्रोक्सिमल फर्स्ट, ये सारी फिंगर प्रेजेंट है आपका, रेडियस है, ठीक है। तो अब इनके ऐप एंड ह्यूमन हैंड्स, ठीक है, हैंड ऑफ द इन सब के गोरिल्ला हुआ, चिंपैंजी हुआ, ह्यूमन हुआ, इन सब के हैंड के नोट ऑफ द फॉलोइंग, आप इन सबको नोट करेंगे। अवर हम आर लॉन्गर देन द अदर, हमारा अंगूठा जो है बाकी सबके अंगूठे से लंबा है, वी बाकी सबसे लंबा है, वी कैन मेक ए फिंगर ग्रिप देन द अदर, लेस विजिबल ऐप डिजिट्स आर कवर्ड कर्व्ड, अवर आर स्ट्रेट, ठीक है। इसकी डिजिट क्या कर्व्ड होती है, अपनी क्या स्ट्रेट है। ग्रिप का क्या इशू है, मतलब एक पावर और एक ग्रिप होती है ना, पावर ग्रिप, फिंगर एंड थंब रैप अराउंड द ऑब्जेक्ट
पूरे रैप हो जाते हैं, ठीक है। प्रीशियस ग्रिप, फोर फिंगर एंड थम होल्ड द ऑब्जेक्ट, फोर फिंगर और थम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो इजीली होल्ड कर देते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, वी कैन डू ए फाइनर वर्क कंपेयर टू नॉन ह्यूमन, ठीक है। क्या कहते हैं, वी कैन डू ए फाइनर वर्क कंपेयर टू नॉन ह्यूमन पिरामिड्स, ठीक है। अब आता है सबसे मेन चीज, डाइपेडलिज्म, बाइपेडलिज्म, क्या है, बाई एक मिनट, बढ़ेंगे बाई पैडा लेज, ठीक है। वी आर ऑल द ओनली मेमल्स दैट कैन अंडरस्टैंड एंड वॉक ऑन टू फीट, एक मेमल्स ही हैं जो ये चीज को समझ सकते हैं कि वो पैरों पे ही चल सकते हैं। कंगारूज होप एंड मेंटेन बैलेंस विद द टेल, ये वो किससे अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं, टेल से। एफ्स आर द सेमी पेडियल, वो क्या है, सेमी पेडियल्स है, मतलब वो वॉक भी और स्टैंड भी वो सेमी पेडियल्स है, बट यूज द क्रैंकल्स टू द ग्रेट अराउंड, ठीक है। नोटिस करना, ह्यूमन हैज ऑन हिज नी नॉट जस्ट ऑन हिज फीट, ठीक है। ये देखो, ये चिंपैंजी एंड ह्यूमन का लोकोमोशन है, तो ये ह्यूमन है, ये अपने ही पैर पे खड़े भी है और देन उस पर वॉक भी कर रहे हैं और बैलेंस भी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये यूज लिटिल बिट वैसी है लेकिन प्रॉपर वैसे नहीं है जैसे ह्यूमन का लोकोमोशन है। एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव फ्रीजिंग, फ्रीइंग ऑफ हैंड, ठीक है। टूल मेकिंग एंड द यूज, केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ट्रैकिंग माइग्रेटिंग हेड्स, ठीक है, प्रीडेटर अवॉइडनेस, ठीक है। ये सब इसके क्या है, एडवांटेज है बाइपेडलिज्म में, और बाइपेडलिज्म में मेनली किसका एग्जाम्पल आता है, ह्यूमन। ह्यूमंस का क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमंस ही हैं जो अपने फीट पर खड़े भी रह सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम एंड आपने अब ये चीज देखी, मैं आपको जब पढ़ा रही थी ह्यूमन इवोल्यूशन, तो मैं जैसे बॉडी पार्ट वाइज, तो फर्स्टली आई एक्सप्लेन यू ब्रेन, ठीक है, देन आई कम इनटू जॉ, ठीक है। जॉ के बाद हम आए आपके हैंड पे, ठीक है, हमने बताया आपका हैंड, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ टूल मेकिंग एंड द यूज द हैंड, ठीक है। उसके बाद हम आए आपके ग्रिप्स पे, हैंड की ग्रिप्स वगैरह मैंने आपको बताई, ठीक है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद है बाइपेडलिज्म में आपके वॉकिंग और आपके बैलेंस मेंटेनिंग और आपके फीट के ऊपर, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया लोकोमोशन कि चिंप और ह्यूमन का क्या लोकोमोशन डिफरेंस है, ठीक है, आपको बाइपेडलिज्म के एडवांटेजेस पता चलेंगे। अब आते हैं वर्टिकल कॉलम्स पे, तो ह्यूमन वर्टिकल कॉलम इज एस शेप का होता है, कभी भी देखना, मतलब ऐसे कभी भी आपकी बैक ऐसे नहीं होती, वर्टिकल कॉलम कभी ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। चिम वर्टिकल कॉलम इज बो शेप्ड का है, ह्यूमन पेल्विस विद लीज विद इलियम इज ए बो शेप्ड, चिम इज लॉन्ग एंड द फ्लैट, मतलब ह्यूमन की जो है वो इन सब शेप्स की हो सकती है, मतलब ये सब जो है बोल शेप के हो सकते हैं, बट चिम की पेल्विस जो है वो फ्लैट एंड लॉन्ग होगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया कि ऐसे हो सकते हैं, प्लीज इसको नोट कर ला और अपने माइंड में याद रखना, ठीक है। पेल्विस लॉन्गर होती है चिप से, शॉर्ट एंड मोर कवर्ड इलम ऑफ द ह्यूमन, स्ट्रेट वर्टिकल ओरिएंटेशन ऑफ द चिप, इनवर्ट एंगल ऑफ द ह्यूमन, ठीक है। ये आपका क्या था, पेल्विस एंड फीमर का स्ट्रक्चर है ये, देखिए। अब आते हैं, ये सारा चीज कंप्लीट हो गई, मैंने आपको ब्रेन बता दिया, आपका जोआ बता दिया, आपके हैंड बता दिए, आपके बैक वर्टिकल कॉलम बता दिया, देन कम्स टू इनटू द फुट स्ट्रक्चर, कि फुट स्ट्रक्चर में क्या होता है। फुट स्ट्रक्चर इज लार्ज टो ऑफ द चिम फुट राइट इज ए पॉसिबल टू द अदर डिजिट, लार्ज टो ऑफ द ह्यूमन फिफ्थ लेफ्ट इज
aligned with the other digit. Ankle bone of the human foot are feet are longer and more rigid than the chimp. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. Last of chimp foot is more possible of other digit. Last toe of the human foot is inclined with the other digit. Ankle bone of the human feet are the larger and more rigid than the chimp. Foot longitudinal and transversal. ठीक है, longitudinal arc reflected from first heel bone. Transverse arc can be inferred from the lower placement of the opposite foot. फिट ये देखो, ये मिडिल साइज ऑफ फिट है, ये लेटरल साइड व्यू ऑफ फुट है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल. ठीक है, ये आपके फुट का स्ट्रक्चर है. अब आते हैं मेन पॉइंट, ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन. प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जनरल सेलेक्शन एंड जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड द बिहेवियर ऑफ आवर प्रिमिटिव कजन्स, आवर एंसेस्ट्री एंड द टू द होमो, टूल एज ए एविडेंस ऑफ द कल्चर इवोल्यूशन, कैपेसिटी फॉर लैंग्वेजेस एंड देयर बाय कैपेसिटी फॉर द कल्चर. तो प्रिंसिपल क्या है इवोल्यूशन के, नेचुरल सेलेक्शन के. पहले आएंगे डार्विन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज. नेचुरल सेलेक्शन दो टू फोल्ड प्रोसेस है, वेरिएशन ऑफ स्पीशीज. ठीक है, सेलेक्शन ऑफ स्पीशीज बेटर एडेप्टेड टू द एनवायरमेंट देन द अदर. एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं इंडस्ट्रियल मेलिनिज्म अमंग मंथ इन इंग्लैंड. ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन होंगी आपको और अच्छे से जब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आएगा. प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन जेनेटिक, फर्स्ट में मेंडल्स लॉ, जेनेटिक थ्योरी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ पी. आपको मैंने जब ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ाया था तब मैंने आपको पी का प्रॉपर एक्सपेरिमेंट समझाया था. जिस भी स्टूडेंट ने अगर वो नहीं देखा तो मेरे प्लीज़ करियर गोल्स के चैनल पे जाके एंथ्रोपोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको सब समझ में आ जाएगा. एंड जीन्स इज अ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन डिटरमाइनिंग द फिजिकल करेक्टरिस्टिक. जीनोटाइप द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्टिकुलर कलर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई एंड आई कलर. ठीक है, फिनोटाइप क्या है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्रिएटेड बाय द जेनेटिक मेकअप. जेनेटिक मेकअप से जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्रिएट होते हैं उनको हम बोलते हैं फिनोटाइप. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन जेनेटिक्स टू. जीन्स आर ऑलवेज पेयर्ड, मेल कॉन्ट्रीब्यूट हाफ एंड फीमेल कॉन्ट्रीब्यूट हाफ. हमेशा मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन करी है. अगर क्रोमोसोम वाली भी मैं अगर चीज बोलूँ तो हाफ हाफ आपके चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब पेरेंट्स से हाफ हाफ जो है वो चिल्ड्रन में आपके पास ऑन होते हैं. ठीक है, एलीन्स क्या था, वेरिएशन ऑफ जेनेटिक करेक्टरिस्टिक. व्हेन डिफरेंट एलीन कंबाइन, एलील ऑफ वन फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्या है, डोमिनेंट एंड अदर डज नॉट हैव ए रिसेसिव. और जिसमें दोनों होंगे उसको हम क्या बोल देंगे, कोडोमिनेंट. ठीक है, आपको मैंने डोमिनेंट एंड रिसेसिव भी उसी क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. तो जिस भी स्टूडेंट को अभी भी कोई इशू है तो प्लीज़ आप वो आप प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं, आपको एक प्रॉपर लेक्चर मिल जाएगा उसके ऊपर, तो आप इजीली देख सकते हैं. ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही था. मुझे पता है आज का लेक्चर बहुत छोटा है क्योंकि आज लिटिल बिट मैं थोड़ा बिजी हूँ. ठीक है, बट तो भी मैंने आपकी क्लास ली है आज. ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सारा. ठीक है, अभी भी ये पूरा चैप्टर कम्प्लीट नहीं हुआ है आपका, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर इन ह्यूमन. ये टॉपिक अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ पार्ट्स अभी आपके बचते हैं जो मैं कल की क्लास में करवाऊंगी. एंड थ्योरीज भी अभी बची है, मतलब इसमें तो अभी इस चैप्टर को कंप्लीट होने में अप्रोक्सीमेटली अभी 2-3 days और लग जाएंगे. ठीक है, अभी ऐसा हमें कोई इतनी जल्दी नहीं है आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की. ठीक है, तो धीरे धीरे चलिए. और सीरियसली अगर इससे ईजी में भी इसलिए बहुत ईजी मैंने आपके लिए PPT बनाई, अगर आपको तब भी कुछ प्रॉब्लम होती है समझने में या कुछ तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, किसी भी स्टूडेंट ने मुझे अभी तक ये कमेंट करके नहीं बोला कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं कि नहीं करने, आप जब बोलेंगे मैं उसके नेक्स्ट डे मतलब उसके एक दो दिन के अंदर ही आपके पेपर सॉल्व करवा दूंगी. ठीक है, आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया हो. लिटरली स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आती है समझने में या कोई भी दिक्कत है कि मैम हमें ऐसे नहीं ऐसे पढ़ा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ एक बार मेरे को कमेंट कर दीजिए. और आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ,
और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिसको जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ वो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं आपके उस कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आई नो आज का लेक्चर बहुत छोटा है, मैंने खाली 30 मिनट्स का लेक्चर आज लिया है, बट स्टिल मैंने आज लिया है, ठीक है। बट इससे ज़्यादा भी आज मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में मैं आपको ये जितना भी पार्ट है बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर जो है बचा हुआ है वो मैं कल कंप्लीट करवा दूंगी, एंड थ्योरीज ऑफ द ह्यूमन इवोल्यूशन मैं कल करवाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स।